गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स कन्वर्स पार्ट। पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्स पार्ट, दोनों दो थ्योरम जो है, कन्वर्स थ्योरम, ये पाइथागोरस का थ्योरम्स और इसका कन्वर्स पार्ट, दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है, प्रीवियस क्लास में, नीचे के क्लास 8 क्लास 7 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करके हम लोग सम को बनाते रहे हैं। 8 क्लास में भी पाइथागोरियन ट्रिक वगैरह का ट्रिक वगैरह को यूज कर करके कुछ सम वगैरह को सॉल्व करते रहे हैं। 10 क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़ना है, पाइथागोरस का थ्योरम्स और उसका प्रूफ, ऑल्सो इट्स कन्वर्स पार्ट एंड इट्स प्रूफ। तो स्टेटमेंट्स पाइथागोरस का हम लिख रहे हैं, स्टेटमेंट है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस का थ्योरम है ना। पाइथागोरस बताए कि इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल हो तो वन साइड्स का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम of the square, sum of the squares of other two sides, sum of the squares of other two sides of that triangle। पाइथागोरस का कहना था कि राइट एंगल जिस वर्टेक्स पर बनता है, जिस वर्टेक्स पर 90 एंगल फॉर्म होता है, उसका अपोजिट साइड्स का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, हम प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस जो थ्योरम बनाए उसको हम दिखाने के लिए सबसे फर्स्ट एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल, वर्टेक्स बी पर 90 एंगल कंटेन कर रहा है। तो इसका अपोजिट साइड्स का जो स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। गिवेन हमारे पास दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, दिखा देना है पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसको दिखाना है कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर से। इसका अपोजिट्स जिस एंगल पर, जिस वर्टेक्स पर 90 के एंगल कंटेन करता है, उसका अपोजिट साइड्स का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड ऑफ दैट ट्रायंगल्स। इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शंस रचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी डी, किस पर? ए सी पर, साइड ए सी पर। माने इसमें बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पर? ए सी पर। तो हमारे पास दो ट्रेंगल फॉर्म हो गया, एक ए और एक ए, दो ट्रेंगल बना। तो हम क्या देख रहे हैं इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड इन ट्रेंगल ए बी सी, इस दोनों ट्रेंगल में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल वर्टेक्स है और वर्टेक्स है, दोनों एंगल ए कॉमन साइड आ गया, कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल बन गया। चलिए ठीक है, ए बी डी सी एंगल बी डी सी इक्वल हो गया एंगल ए बी सी का 90 इंच। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसे 90 के एंगल बना, एक गिवन दिया हुआ है। बाई ए एंगल
सिमिलेरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि ए बी डी जो है सिमिलर हो गया ट्रेंगल ए बी सी का। सिमिलरिटी में पढ़ा है वन ट्रेंगल का क्रॉस टू एंगल, अदर टू ट्रेंगल का क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल का इक्वल हो जाए तो बोथ ट्रेंगल से टू बी द सिमिलर, सिमिलर कहलाएगा। जब सिमिलर ट्रेंगल होंगे तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बी डी में हम साइड ले लें ए डी, ये किस साइड का प्रोपोर्शनल होगा? तो जो 90 का एंगल ही कंटेन करने वाला ये जो ये बेस हो गया ए डी, और इसका इसका बेस 90 वाला का ही ए सी ए बी इक्वल होगा। इस ए बी डी में जो 90 का एंगल कंटेन कर रहा वर्टिकल, उसका अपोजिट्स का साइड ए बी, और ए बी सी में जिस वर्टिकल पर 90 का एंगल बन रहा है उसका अपोजिट का जो साइड है ए सी, ये प्रोपोर्शनल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इसका नाम दे देंगे वन। ऑल्सो इंट्रेंगल बी डी सी एंड इंट्रेंगल ए बी सी, इस दो ट्रेंगल में फिर हम क्या देख रहे हैं? इस दोनों ट्रेंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल आ गया, कॉमन है ये। एंगल बी डी सी इक्वल टू ए बी सी 90 डिग्री है बाई ए ए सिमिलेरिटी। ए सिमिलेरिटी में हम क्या फिर कह सकते हैं कि सी डी ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बी सी का। फिर बी सी जो है प्रोपोर्शनल किसका होगा? इसका 90 का एंगल कंटेन करने वाला ये इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस हो गया, और ए बी सी में 90 का एंगल कंटेन करने वाला जो वर्टेक्स बी है उसका अपोजिट्स का साइड वो हाइपोटेनस ए सी आ गया। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इसका नेम टू रखेंगे। अब क्या देख रहे हैं? वन और टू को बोथ साइड्स यदि हम सम करें, बोथ साइड्स यदि हम उसको एडिंग करें तो रिजल्ट किस तरह का रहा है? एडिंग एडिंग वन एंड टू, वन और टू को एडिंग कर दें बोथ साइड तो हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी प्लस प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी इसमें कॉमन ले लेंगे, ए डी प्लस सी डी, ए सी हो गया ए डी और सी डी को टोटल लेंथ को हम लोग ए सी कहेंगे, यानी ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था पाइथागोरस थ्योरम में। कोई भी ट्रेंगल, एनी ट्रेंगल हो, बी पर नहीं बल्कि सपोज कर लीजिए कि एंगल ये वर्टेक्स ए पर ही यदि 90 के एंगल कंटेन कर रहा है तो इसका अपोजिट साइड्स का जो स्क्वायर जो हाइपोटेनस भी कहलाएगा इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर का। ये तो है। तो क्या देख रहे हैं? पाइथागोरस का क्या कहना था कि एनी राइट एंगल ट्रेंगल में वैसा ट्रेंगल जो 90 के एंगल किसी वर्टेक्स पर कंटेन कर रहा होगा उसका अपोजिट साइड्स का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रेंगल्स। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट इनका कन्वर्स पार्ट जो है पाइथागोरस ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसी का अपोजिट है ना थ्योरम बनाए कि यदि एनी ट्रेंगल में, एनी ट्रेंगल में वन साइड का स्क्वायर यदि इक्वल हो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रेंगल देन द एंगल अपोजिट टू वन साइड ऑफ द ट्रेंगल्स कंटेन 90 डिग्री यानी राइट एंगल। कन्वर्स कन्वर्स पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट। इफ 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 स्क्वायर्स ऑफ
वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ दैट ट्रेंगल देन ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ वन साइड्स ऑफ दैट ट्रेंगल भी कंटेन राइट एंगल या 90 डिग्री या राइट एंगल सेम है। ये तो है पाइथागोरस का कन्वर्स पार्ट में कह रहे हो कि एनी ट्रेंगल्स में कोई भी ट्रेंगल हो उसका वन साइड्स का जो स्क्वायर है इक्वल हो जाए सेम ट्रेंगल का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल कंटेनिंग अपोजिट टू द वन साइड्स यानी ऑन दैट वर्टेक्स इज 90 एंगल या राइट एंगल्स ये बता रहे थे। इनका कन्वर्स पार्ट में कह रहा है कि कोई भी ट्रेंगल हो, मान लिया हम सपोज कर लिए कि एनी ट्रेंगल ए बी सी ले लिए ए बी सी में इस ट्रेंगल का वन साइड का जो स्क्वायर है यदि इक्वल हो जाए अदर टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स का, तो वन साइड का जो अपोजिट एंगल होगा यहाँ पर 90 कंटेन करेगा, यानी हमको दिखा देना है कि एंगल बी जो है 90 का होगा, ये दिखाना है। इसके लिए प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंगल हम बनाए ए बी सी एक ट्रेंगल लिए ए बी सी। इस ट्रेंगल में हमारे पास जो दिया हुआ है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वी हैव टू सो डेट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है ये 90 का होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखा देना है। तो अब जो थोड़ा सा एक न्यू कंस्ट्रक्शंस हम ड्रॉ करेंगे एक न्यू कंस्ट्रक्शंस हम एक ट्रेंगल ले लिए डी एफ एक ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रेंगल डी एफ एक ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं। किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसमें एंगल ई को हम 90 डिग्री लिए हैं और डी का जो लेंथ है इक्वल हो गया ए बी का लेंथ का एंड ई एफ का जो लेंथ है बी सी का लेंथ का, ऐसा हम ले लिए। कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं, इसका जो लेंथ है इसके इक्वल, इसका जो लेंथ है इसका इक्वल, तो बाई कंस्ट्रक्शंस नाउ इन ट्रेंगल डी ई एफ, इस ट्रेंगल में हम कह सकते हैं जब यहाँ हम 90 के एंगल ले लिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डी एफ का जो स्क्वायर है वो जो हमारा बन गया डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। गिवन हमारे पास दिया हुआ है, थ्योरम में मेंशन किया हुआ है, पाइथागोरस का कन्वर्स पार्ट में कह रहा है, पाइथागोरस का कन्वर्स पार्ट में मेंशंस है स्टेटमेंट में कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये गिवन हमारे पास दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शंस के हेल्प से हम ऐसा कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ किए थे, इसमें हम कंस्ट्रक्शंस इस तरह से ड्रॉ किए थे डी का जो लेंथ है ए बी का इक्वल है
और EF का जो लेंथ है BC का इक्वल है, इसलिए यहाँ AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे जहाँ पर AB वन से हम ऐसा लिखेंगे इक्वेशन वन से लिखेंगे DF का जो स्क्वायर है जहाँ D है वहाँ पर हम AB का स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ EF है वहाँ हम BC का स्क्वायर लिखेंगे, इसका नाम देंगे थ्री। फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम टू एंड थ्री से हम ऐसा देख रहे हैं इस दोनों का तो वैल्यू बराबर ही आ गया, दोनों का वैल्यू इक्वल ही आ गया, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एसी इक्वल टू डीएफ यानी इसका लेंथ जो है इसका लेंथ का इक्वल आ गया। कॉन्ग्रुएंसी का रूल में हम बताए थे एनी ट्रायंगल का थ्री साइड्स, क्रॉसबॉन्डिंग थ्री साइड्स, अदर टू साइड एनी साइड एनी ट्रायंगल का थ्री साइड इक्वल हो जाए क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर टू ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल का देन बोथ ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट, वन ट्रायंगल का क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स अदर टू ट्रायंगल का, अदर ट्रायंगल का क्रॉसबॉन्डिंग साइड का यदि इक्वल आ जाए तो बोथ ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय एस 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 साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सीपीसीटी बाई सी पी सी टी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी एंगल ई यदि हम 90 लिए हैं तो एंगल बी भी हमारा 90 होगा, यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, यही पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। पाइथागोरस का कन्वर्स पार्ट कितना आसान हो गया कि एनी ट्रायंगल में एनी ट्रायंगल का वन साइड का स्क्वायर यदि इक्वल हो जाए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल देन एंगल अपोजिट टू वन साइड्स इज राइट एंगल या 90 का, तो ठीक है वन साइड्स का स्क्वायर इक्वल हो गया अदर टू साइड्स का स्क्वायर का, तो वन साइड्स का अपोजिट एंगल बी जो है 90 का प्रूफ करना था, दिखा दिए। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कभी कभी कोई पूछता है, सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 9 क्लास में भी पढ़ाए थे, सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, कहने का मतलब एबी का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया डी, फिर बीसी का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया EF, AC का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया DF, ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, तो यदि ये हम कंस्ट्रक्शंस 90 का किए हैं तो ऑटोमेटिक ये भी 90 का होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यही डिफिनेशन है। तो टुडे डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स कन्वर्स पार्ट, नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू बेस्ड ऑन दिस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम्स पर बेस, नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्यूशन कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोथ थ्योरम पर बेस, पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स कन्वर्स पार्ट पर बेस कुछ सम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।